थोड़ा कम कर लो, 30 ले लो, 30 ले लो। एक कितने का है? 20 मेरा है। जो ये चाहिए, जो ये चाहिए। मम्मी देखो क्या है मेरे पास। मेरे इस 1000 के चैलेंज में तो मुझे वीआईपी वाली फीलिंग भी आ रही है। मैं हूँ समीर और आज मैं बन गई हूँ थोड़ी सी अमीर, क्योंकि आज मैं बिताने वाली हूँ अपना पूरा दिन 1000 रुपए में। तो अब देखना ये है कि ये चैलेंज इजी होता है मेरे लिए डिफिकल्ट, तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरे 1000 रुपए आज के पूरे दिन के लिए। और अभी मुझे करना है अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और इन्हीं पैसों में मैं करूंगी। वैसे मेरे पास पैसे तो अच्छे खासे हैं, तो इसमें सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे जाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अभी चलो चलते हैं यहाँ से कुछ स्ट्रीट फूड खाने के लिए। और मैं कार का भी यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है आज के लिए, तो मुझे इसी से जाना होगा। तो मैं ई रिक्शा से जाऊंगी अभी। चलो चलते हैं भैया। स्ट्रीट फूड यहाँ पर जो मिलता है ना वहाँ जाना मुझे। चलो कितने लोगे? 50 तो बहुत बोल रहे हैं आप, थोड़ा कम कर लो। 30 ले लो, 30 ले लो, 30 ले लोगे? चलो। तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत प्यारी हुई है। हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं और ई रिक्शा की सवारी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का मौसम कितना सुहाना हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अभी मैं आई हूँ जूस पीने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ खाना और पीना है। तो चलो पहले जूस लेते हैं। भैया अच्छा वाला जूस कितने का मिलेगा यहाँ पे? 40-50। तो आप मुझे 30 वाला दे दो, ये अनार का दे दो। तो हम सुबह सुबह पियेंगे अभी अनार का जूस, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अनार का जूस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 से मिलेगा, 60 से ऊपर का मिलेगा। तो 60 इतने पैसे है मेरे पास, कम नहीं कर सकते आप थोड़ा? 50 चलो ठीक है आप। तो अभी मेरे 80 रुपीज ऐसे ही खत्म हो चुके हैं बस आने जाने में और अभी जूस लेने में। पता नहीं पूरा दिन कैसे निकलेगा। अभी तो मेरे पास 1000 में से बहुत पैसे अभी बचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं चैलेंज आराम से कंप्लीट कर लूंगी। पर जितने आराम से तुम सोच रही हो कि तुम्हारा चैलेंज हो जाएगा, उतनी आसानी से मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, क्योंकि हर चैलेंज में मेरे पास आग लगाने के लिए जो आ जाती है। मैं तुम्हें दे रही हूँ 3 टास्क जिसको तुम्हें इस चैलेंज में पूरा करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पहला टास्क ये है, तुम्हें कोई भी प्रॉपर खाना नहीं खाना, जैसे कि राजमा चावल। राजमा चावल क्यों खाऊंगी मैं? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड खानी है। और सेकंड टास्क तुम्हारा ये है कि तुम्हें लास्ट में किसी भी एक फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट लेके जाना, चाहे वो कुछ भी हो। थैंक यू। और थर्ड टास्क ये है, तुम्हें अपने ऊपर कोई एक ऐसी चीज करवानी होगी, मतलब जो दिखे, या तो कुछ नेल आर्ट करवाओ या तो कुछ भी अपने ऊपर करवाना तुम्हें, या फिर हेयर स्पा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। तो वो मैं देख लूंगी, मुझे जो सही लगेगा मैं वो कर लूंगी। वाओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने बहुत टाइम बाद बहुत ही अच्छा जूस बनाकर दिया है, बहुत अच्छा, मजा। पहली बार पिया मैंने इतना अच्छा। तो गाइज अभी मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज मिली है खाने के लिए, वो देखो। तो चलो अभी हम ब्रेकफास्ट में ये खा लेंगे, तो मेरा पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो चलो अभी लेते हैं ये। एक कितने का है? 20। अच्छा एक दे दो आप। आप कब से बना रही हो ये? 2 दिन से। चलो दे दो आप। ये मौसम देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बस वहीं बैठ जाऊं और भुट्टे खाती रहूं, क्योंकि बारिश के मौसम में भुट्टे खाने का मजा तो कुछ और ही है। तो गाइज अभी मैं अपने फ्रेंड की कार में आ चुकी हूँ और बाहर बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था, तो मैंने अपना दिमाग चलाया, शातिर दिमाग, कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया जो कि यहीं पर रहता है, तो फिर उसको मैंने बुला लिया और वो अपनी कार लेकर आ गया। तो अभी मेरे पास कार है और मेरे पैसे नहीं लगेंगे आप कैब के या किसी भी चीज के। अभी मैं आ गई हूँ लंच टाइम के लिए कुछ खाने के लिए, और तुम क्यों पीछे से देख रही? तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, मेरा है। जो ये चाहिए, जो ये चाहिए, मुझे दो। अभी हम ले रहे हैं अफगानी चाप हाफ, जो कि है 100 रुपए का। बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत महंगा। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है गाइज। तो अभी लंच तक मेरे 200 रुपए खत्म हो गए हैं, मेरे पास टोटल बचेंगे 800 रुपए। उसके बाद भी मेरे पास बहुत कुछ है, उसके बाद अभी मुझे जाकर कुछ करवाना है। टास्क याद है ना? हाँ टास्क याद है, और सब मैं पूरा करके दिखाऊंगी। पहले हमने जो ऑर्डर किया वो आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, फ्री में फ्री में। तो चलो अब मैं ये खा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। अभी मैं अपना टास्क करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं स्टारबक्स पीऊं, लेकिन वो तो शायद मैं अभी नहीं ले सकती। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर एक चीज दिखी जहाँ मैं जाकर पी सकती हूँ कुछ भी। ये देखो, ये है मून बग। स्टार नहीं तो मून ही सही। देखते हैं यहाँ पे सस्ता मिलेगा यानी कुछ भी। मुझे तो लगता है सस्ता मिल जाएगा। आ जाओ। तो मैं मून बग्स में ये उम्मीद लेकर गई कि स्टारबक्स से मुझे सस्ती कॉफी मिलेगी, मतलब 70-80 रुपीज में। लेकिन जब मैंने वहाँ का मेन्यू देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ की कॉफी तो 200 से स्टार्ट ही थी। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे वो कॉफी लेनी ही पड़ी, वो भी 200 में। और जो ये कॉफी आई ये कुछ बस ठीक ही ठाक थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ज्यादा बैठूंगी तो मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। बस मैं यहाँ से निकल गई और भाग गई यहाँ से। तो
गाइस जैसे कि मुझे चैलेंज मिला था, अभी एक टास्क मिला था कि मुझे अपने ऊपर कुछ करवाना है, तो मैंने बहुत सोचा उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी नेल्स पे नेल आर्ट कराना चाहिए। वैसे मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, एक में लगाई, तो चलो नेल आर्ट करवाते हैं, वो भी हम बहुत ही सस्ते में करवाएं क्योंकि हमारा बजट कम है। कितने में हो जाएगा नेल आर्ट? 100 में हो जाएगा। सोचो 100 में कभी करवाया हो किसी ने? मैं करवाती हूं, साथ में आपको। मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक्सटेंशंस करवाऊँ। 100 साल से बोल रही हूँ, करवाऊंगी, एक दिन आएगा जरूर। वाओ, कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है, अभी हटाऊंगी नहीं कुछ देर तक। मेरे इस 1000 के चैलेंज में तो मुझे वीआईपी वाली फीलिंग भी आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं वीआईपी हूँ आज के लिए। लेकिन वैसे ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल डेज में इतना करवाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे आज बहुत अलग लग रहा है। एक और टास्क बचा है, मैंने दोनों तो टास्क कर लिए, अब मेरा एक और टास्क है जिसमें मुझे अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ गिफ्ट लेना है इन्हीं पैसों में, और वो मैंने नहीं किया, और अभी रात भी हो गई और मैंने डिनर भी नहीं किया है। तो चलो अभी चलते हैं और ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं और फिर होगा हमारा चैलेंज पूरा। तो जैसे कि मेरा टास्क है कि मुझे अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी कोई गिफ्ट देना है, कोई भी हो चाहे, तो मैं अपनी मम्मी को दूंगी, और वैसे भी उनको कुछ चाहिए था, मतलब कि किचन का उनको बहुत पसंद है। तो अभी हम जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम कहीं पर कोई मिल जाए जहाँ पर कुछ बर्तन या कुछ मिल जाए, तो हम बर्तन लेंगे वहाँ से कोई सा। तो अभी ढूंढ रहे हैं हम, लोकेशन देख रहे हैं कहीं पर मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे चाय के बर्तन देखे और उसके बाद मुझे एक बर्तन मिला जो कि मैंने सबसे सस्ता देखा, तो वो था 210 का। अब मैंने जल्दी से ये ले लिया, तो मैं ये ले रही हूँ अभी, और घर जाके दिखाऊंगी कि अम्मी को पसंद आता है या नहीं। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। अब देखना ये है कि मुझे इतना खूबसूरत खाना मिलता भी है या नहीं। तो अभी मैं आ गई अपना डिनर करने के लिए, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कहीं पर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए जो कि सस्ते में हो, तो जो भी हमें मिलेगा हम वो खा लेंगे। और अभी मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए, फिर मुझे डिनर करना है और फिर मेरे बाकी सारे पैसे खत्म। तो जैसे कि आपको पता हो कि मुझे टास्क मिला था जिसमें मुझे मेन कोर्स नहीं खाना था और सिर्फ स्टार्टर खाना था, तो स्टार्टर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो चुका था, भैया मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ है ना। लेकिन अब मुझे एंड में मिली बिरयानी जो कि मजबूरी मुझे खानी पड़ेगी। और अभी मैं आई हूँ घर पे, पूरा दिन बिताकर अपना 1000 रुपए में, और मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन जो अम्मी के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई थी वो अब दे देते हैं उनको जाकर, और दिखाते हैं कि उनको पसंद भी आता है नहीं, मैं सही भी लेकर आई हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि मैंने सारे टास्क अच्छे से किए हैं, लेकिन एक गलती मुझसे हुई है क्योंकि मैंने डिनर में बिरयानी खा ली और मुझे स्टार्टर खाना था, मेन कोर्स नहीं खाना था। लेकिन मैं जहाँ भी जाई थी ना वहाँ पर खत्म था सब कुछ, क्योंकि मुझे टाइम लगा था अम्मी के लिए, जब मैं वो ढूंढ रही थी तो मुझे स्टार्टर कुछ नहीं मिला, तो मैं वो चीज हार गई हूँ। लेकिन अम्मी को पहले दे देते हैं हम, चलो। अम्मी देखो क्या है मेरे पास, क्या लाए? देखो क्या लग रहा है, ये लो पहली बार गिफ्ट बिना बोले हुए, देखो तो मेरी मेहनत से मिला ये। ओहो, मेरा चैलेंज था ना 1000 रुपए वाला, उसमें मुझे ये भी लेना था, मतलब कि घर में किसी के लिए भी गिफ्ट ले रहा था, तो मैंने ये लिया। चाय की पतीली नहीं थी, या तुमको पता था कि चाय की पतीली नहीं है? घर की खबर होती है यार। और ये बताओ कि ठीक क्वालिटी है या नहीं? अच्छी है, और 210 का मिला ये, सही मजबूत भी है। इसी तरह चैलेंज किया करो, मेरे लिए गिफ्ट लाया करो। सब में अम्मी को गिफ्ट चाहिए। तो गाइस जैसे कि अम्मी को गिफ्ट बहुत पसंद आया अम्मी का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पूरा दिन जो है वो अच्छे से बिताया और सारे पैसे जो है वो अच्छी जगह पर गए हैं। लेकिन मेरे पास 1000 में से बचे हैं पूरे के पूरे 90 रुपीज, क्योंकि मैंने खर्च जो किए वो मैंने सारा कैलकुलेट करके देखा, तो अभी मेरे पास 90 रुपीज बचे हैं। तो जैसे कि मैंने अच्छे तरीके से पैसे खर्च किए हैं, तो मैं खुद को शाबाशी दूंगी क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। और अब आप लोग बताओ कमेंट करके कि अगर आप लोगों को 1000 रुपए मिलता तो आप कितने पैसे सेव कर पाते। बस यही खत्म होती है मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले चल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा 1 वीक चैलेंज चल रहा है, तो मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ आजकल, तो आपको कल भी वीडियो देखने को मिलेगी, तो रेडी रहना। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।